हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, खिली खिली सी धूप है, बढ़िया हवा चल रही है और दो दिन से तो लगातार बारिश है। और आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों को मेरी जो ये वीडियोस हैं, मेरी चारधाम की यात्रा है और जो अभी नवरात्रि में कीर्तन हम लोगों ने डाले हुए थे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको उत्तराखंड देवभूमि से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाती रहूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज है बहुत ही ख़ास दिन। तो वो ख़ास दिन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ख़ास दिन इसीलिए है क्योंकि आज भिटौली आने वाली है मेरी। तो भिटौली देवभूमि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही ख़ास महीना होता है भिटौली का। चैत्र का महीना उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि इस महीने में महिलाओं की भिटौली आती है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। विवाहित जो स्त्री होती हैं उसके मायके से भाई आते हैं या फिर उनके मम्मी पापा आते हैं, घर से कुछ वस्त्र लेके आते हैं वो कन्या को देने के लिए और फल फूल ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो ये उत्तराखंड में बहुत अच्छी तरीके से ये मनाया जाता है काफ़ी समय से ही। तो शुभ माना जाता है अगर विवाहित लड़की को अपनी ये सारे वस्त्र और सुहाग की चीज़ें और फल फ्रूट घर में जो भी बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये परंपरा बहुत टाइम से चली हुई आ रही है और अभी तक भी चली हुई आ रही है। तो आज मेरी भिटौली आने वाली है तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन आने वाला है। तो बोलते हैं ना कि जब मायके से कोई आने वाला होता है तो फिर नज़रें तो रास्ते से हटती ही नहीं है। तो आज मेरा भी वही हो रहा है कि बस रास्ते में नज़रें हैं, कब आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या रहता है आज, कौन कौन आता है। हेलो तो ये देखो रास्ते में नजरें थी मेरी और आ गया है ये भाई छोटा वाला। घंटी बजाई, कितने सालों बाद बजी घंटी। और इनको पता भी है कि घंटी यहाँ पे है। बासु बासु कहता तो है, सबसे आगे लगानी है। तो ये आ गया बड़ा भाई। तो देखा जो इंतजार था वो इन्हीं लोगों का था। अभी देखते हैं और कौन कौन लोग आते हैं। तो आज बढ़िया भिटौली का पर्व मनाएंगे हम। आज क्या बोल रहा था, ये झोला खाली कर दो, इसमें कुछ स्पेशल चीज लेके आया हूँ आज जो मिलती नहीं है ऐसे मौसम में। वो खीर की लाया हूँ। तो देखो क्या स्पेशल चीज होगी इसमें, वो अभी खोल के हम देखेंगे। तो स्पेशल चीज लेके आया है भैया आज। ये आ गई है मम्मी भिटौली लेके और ये भैया और गोलू पहले आ गए थे और अभी पापा भी आने वाले हैं, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो ये गाड़ी लगी है। हाँ आज गाड़ी लगी है। तो कहाँ ये आ गए हैं पापा भिटौली लेके, क्या क्या लेके आए हो? वो तो तू देखेगी, मैं क्या बताऊंगा क्या क्या लेके। तो आज इतने सारे लोग आ गए हैं। ये देखो आ गई भिटौली। तो आप लोगों को दिखाते हैं भिटौली में क्या क्या आया और हम भी देखते हैं। अभी खोल रहे हैं हम लोग और मम्मी लोग चले गए हैं। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया। सबसे पहले मैंने खोला ब्लाउज़। ये पता नहीं किसके साथ का ब्लाउज़ है, मम्मी ने बना के भेज रखा है। देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए ये है सूट। अब इसे खोलते हैं। बढ़िया सी इसकी पैकेजिंग है, बहुत बढ़िया पैकेजिंग। ये देखिए थैंक्स फॉर योर परचेस। ये देखो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे तो, मज़ा आ गया। और फैब्रिक आजकल जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक चल रहा है वही है, सॉफ्ट वाला। आजकल ऐसी साड़ियाँ भी चल रही है ना। हाँ आजकल ऐसी चल रही है साड़ियाँ भी। और ये है इसके साथ नीचे पजामा,
पेंट, हाँ ये है सिल्क फैब्रिक, ये है चूड़ीदार फैब्रिक, नीचे है चूड़ीदार, तो अनारकली है। तो अभी मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में से पहन के दिखाऊंगी कैसा लगा सबको, कलर ज़रूर बताइएगा। ये है मेरा फेवरेट कलर येल्लो, ये है बेल्ट जो कि वेस्ट पे लगेगी ऐसे सूट के बाहर से, और ये है दुपट्टा, बहुत सुंदर काम है ये देखिए, पूरा मोती वाला वर्क है, इसमें गोटा लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। अब खोलते हैं दूसरा, ये अच्छा ये इसके साथ का है ये है सबसे पहले लिफाफा, और ये है साड़ी, ये इसके साथ का ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ भी रेडी करके दिया है मम्मी ने, तभी मैंने सोचा ये अलग से ब्लाउज़ कैसे आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है ये। ये है चूड़ी का डब्बा, और इसके अंदर सबसे पहले है मंगलसूत्र, ये जो फैंसी आइटम्स आजकल चले गए हैं, और इसके अंदर है चूड़ी, ये चूड़ी इसके मैचिंग की होती है, ये वाओ ऐसी चाहिए था मुझे ये देखो अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। तो जिसकी बिटोली आ गई है ज़रूर कमेंट करिएगा, और जिस जिसकी नहीं आई है वो भी कमेंट करके बताइएगा तो बढ़िया रहा आज का दिन, भैयू गोलू भी आए थे, वो भी बढ़िया लिफाफा देके गए हैं, और खाने की चीज़ें जो कि आती हैं वहाँ से, बिटोई लेके आते हैं तो खाने की चीज़ें उसमें आती हैं, मिठाई आती है मुँह मीठा करने के लिए, और भी पकवान आते हैं, मम्मी ने पुए बनाए थे, और चाची ने घर की मट्ठा भेजी थी, और दूध लेके आए थे, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन मुझे तो नसीब हो जाता है बढ़िया घर का खाना, जो कि बाहर से ही ख़रीदना पड़ता है आजकल सबको। तो बढ़िया आज का दिन रहा, मज़े आए।